हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रियल क्लासेस में। मैं हूँ गुरमीत सिंह रियल, और आज जो है हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो है आज का कंप्यूटर का। देखिए, कंप्यूटर जो है, चाहे आप लोगों का बैंक का लेवल हो, एसएससी का लेवल हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, लेकिन आज के टाइम पे कंप्यूटर पे बहुत सारी दुनिया काम कर रही है। और इस वजह से अगर आप एक क्लर्क का भी फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंक में पीओ डालेंगे आप, तब क्लर्क का क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका पास एक सब्जेक्ट भी है आने वाले टाइम पे, देखिए आज के टाइम पे स्कूलिंग की पढ़ाई की बात करें, फोर्थ क्लास से ही आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो हमारे कंपटीशन वाले बच्चे जो है वो कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अभी कभी यूज भी नहीं किया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी कंप्यूटर बैठे ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आज भी उनके लिए कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन ये है कि आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत हद तक तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों के पास मोबाइल है वो भी उसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छा तरीके से आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो मेरा आपका जो मकसद रहेगा आज रहेगा कि हमें कंप्यूटर की बिल्कुल एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर टॉपिक वाइज चलते रहेंगे और आप लोगों को बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे आप लोग चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे उत्तराखंड का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी आप लोगों का एग्जाम हो, चाहे आप किसी और स्टेट में पढ़ते हैं उस चीज का एग्जाम हो, लेकिन आप लोगों का कंप्यूटर का एक टॉपिक जो है वो मैं लेके चलूंगा और हम एक कंप्यूटर की बिल्कुल सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आज जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, लेके आया हूँ कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर एक परिचय। आने वाले टाइम पे हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे 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 करके हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप देखिए चलिए कि आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एक परिचय। चलिए सबसे पहले मैं कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ कि चक्कर क्या है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट में डाटा को लेती है और आउटपुट में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देती है। अब मैंने क्यों बोला इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पहली बात देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। देखिए, इलेक्ट्रिकल आप लोगों का मोटर हो गया, ठीक है, आपका फैन हो गया, और आपकी बहुत सारी चीजें होंगी इलेक्ट्रिकल्स। तो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से फर्क क्या है, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल वर्सेज इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये जो पोर्शन है फिजिक्स का पोर्शन है। और मैं जब फिजिक्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी पावर, इलेक्ट्रिक पावर में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन फर्क क्या है। फिलहाल आप ये ऊपर से समझ लेते हैं कि देखिए, इलेक्ट्रिकल्स में आप लोग केवल फ्री ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, आप लोग मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मूविंग ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल में केवल आप लोगों का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का चार्ज चलेगा, चार्ज के साथ मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ साथ आप लोगों के होल्स भी चलेंगे। अभी होल्स क्या चीज है, अब भाई जिन्होंने ट्वेल्थ करी होगी ढंग से ना, तो उनको पता होगा कि होल्स क्या है, ठीक है। असल में एक सेमीकंडक्टर वगैरह की चीजें हुआ करती थी, सेमीकंडक्टर, एनपीएन डायोड, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं आप लोगों का कंप्यूटर। तो इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसके अंदर चलता है फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी चलेंगे, साथ में क्या चलेगा आपका होल्स, इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके अंदर ही आप लोगों के सर्किट वगैरह बनते हैं, मोबाइल आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है जी। अब आगे बात समझते हैं इनपुट, ठीक है। अब इनपुट समझ लीजिए, जैसे कोई सी भी आप लोगों की मशीन है, ठीक है, अब कपड़े धोने की मशीन समझ लीजिए। तो कपड़े धोने की मशीन में क्या करते हैं आप लोग कि कपड़े, इसके अंदर रॉ मटेरियल है, गंदे कपड़े आपने डाल दिया, ठीक है, और आप लोगों को चीज धुले मिल गई, वो क्या है आप लोग आउटपुट। तो इनपुट समझ लीजिए, इनपुट मतलब जो अंदर आप सामान डालते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, इनपुट, ठीक है। और आउटपुट जो आपको एग्जिट देता है, जैसे आप लोगों के फोन का बैटरी का चार्जर, ठीक है, फोन बैटरी का चार्जर, उसमें क्या होता है आप देखना, उसको 220 वोल्ट्स दिखा रहेगा इनपुट के रूप में, ठीक है। और आउटपुट में आपको देता है 0.5 मिली एम्पीयर की पावर डीसी में, ठीक है जी, 0.5 मिली एम्पीयर की पावर दे देगा आप लोगों को, 1.5 मिली एम्पीयर, डिपेंड करता है आप लोगों की फोन कौन सा, बैटरी कौन सा। लेकिन समझ लीजिए, इनपुट में लेता है 220 वोल्ट जो कि एसी होता है, और उसको चेंज कर देता है डीसी में, ठीक है, और वो रहेगा आपका मिली एम्पीयर में आपके फोन की बैटरी के हिसाब से। तो एक तरह से समझ लीजिए कि वो एक इनपुट है और आउटपुट उसका ये है चीज, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी ये उम्मीद है, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आएगी या फिर कोई क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, तो प्लीज कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको सॉल्यूशन बता पाऊं, ठीक है, और अपनी कमियों को दूर कर पाऊं। मेरा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों को दी जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनपुट के रूप में डाटा लेता है। देखिए, डाटा क्या होता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ।
डाटा जो है एक अनअरेंज्ड कलेक्शन है। अनअरेंज्ड कलेक्शन कैसे हो गया, जैसे मान लो आप लोगों ने बहुत बड़ी क्वेश्चन आपने बना दी 2 + 4 + 6 + 8 + 7 = 30 अब मतलब 3-4 पेज आपने क्वेश्चन बना दी, तो वो क्या अनअरेंज्ड है और आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है आप लोगों का डाटा, डाटा क्या है आपका एक अनअरेंज्ड कलेक्शन है, मतलब आंकड़ों का एक अव्यवस्थित समूह है। ठीक है, अव्यवस्थित है बिल्कुल, रॉ मटेरियल जैसे होता है हम लोगों का, जैसे कोई मशीन में आप रॉ मटेरियल डालना है तो रॉ मटेरियल टाइप है आप लोगों का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है कंप्यूटर, उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग लगाएगा जी। ठीक है, कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग लगाएगी और उसके बाद आउटपुट में आपको क्या देगा, वो इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आपको डिजायरेबल चीज है इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने डाला 2 + 2 ये क्या है आप लोगों का डाटा। ठीक है, और उसके बाद आपको उसने क्या दिया रिजल्ट में 4, तो वो क्या है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना जो आपको डिजायरेबल चाहिए था, जो आपकी इच्छा थी। ठीक है, और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है प्रोसेसिंग करता है। अब बात करते हैं डाटा की सबसे पहले जी। ठीक है, और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में आपको अलग पढ़ाऊंगा, फिलहाल इनपुट आप लोग इतना समझ लीजिए कि इनपुट मतलब जब कंप्यूटर के अंदर आप कोई चीज इंसर्ट करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, तो वो क्या है आप लोग का सॉरी अपने डाटा जो आप डालते हैं तो आप क्या बोलेंगे इनपुट। ठीक है, अब इनपुट मैं आपको वैसे ऊपर से बताता हूँ कि इनपुट में आप इनपुट कैसे करते हो कंप्यूटर के अंदर। पहला, जैसे आपने कीबोर्ड पर कोई डाटा एंट्री करी तो वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपने इनपुट कर दिया। दूसरा, माउस आप लोगों का, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस से आप एंट्री करते हैं। ठीक है, एंट्री वगैरह या फिर जो भी आप लोगों का माउस क्लिक की दूर लेके जाते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस है। तीसरा, आप लोगों का स्कैनर एक बहुत बड़ा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिस स्कैनर में आप फोटो स्कैन करते हो और आप लोग आने वाले टाइम पे अपने कंप्यूटर पे अपलोड होता है, मतलब कंप्यूटर अंदर चला जाना, कोई चीज को कंप्यूटर अंदर भेजना ही आप लोगों का इनपुट वैसे काम है, वो इनपुट है। ठीक है, आउटपुट जैसे कंप्यूटर के अंदर फाइल है कोई पीडीएफ फाइल, आप उसे प्रिंट मार दें तो प्रिंटर उसका काम करेगा, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंट होकर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, और मॉनिटर, ठीक है जी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो आपको दिखाता है। ठीक है, तो वो आप लोगों का एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर में अभी आप लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे अपने फोन के स्पीकर में या फिर जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो स्पीकर्स में जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो स्पीकर आप लोगों के एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मैं माइक में अपनी बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप उसे सुन पा रहे हैं, तो माइक क्या है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो उम्मीद मुझे यह है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया और हम आने वाले टाइम पे और चीजें भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का बिल्कुल अच्छा सा फाइनल सा बिल्कुल मैं एक वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, जो सारे एग्जाम को क्रैक करेगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए सीधी सी बात, उत्तराखंड के लेवल में क्वेश्चन जरूर बनेगा कंप्यूटर का। ठीक है, और पिछले कुछ सालों का रिविजन करके मैंने देखा है कि काफी क्वेश्चन बन रहे हैं उत्तराखंड में इन चीजों के, स्पेशली कंप्यूटर के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, कंप्यूटर अच्छी से कमांड रखें। और आईबीपीएस आरआरबी एक होता है, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी में जो इन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है तो वो अधिकतर आरआरबी डाल देते हैं और उसके अंदर भी कंप्यूटर का पेपर जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो कंप्यूटर वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, इनपुट डिवाइस वाली बात हो गई, प्रोसेसिंग हमारा हो गया, अब बात करते हैं डाटा की। ठीक है जी, डाटा जो होता है वो दो टाइप का होता है, डाटा दो टाइप का होता है। पहला होता है आप लोगों का न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा मतलब 0 से लेके 9 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा न्यूमेरिकल डाटा। दूसरा होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अब अल्फा न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है जी, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा मतलब समझ लीजिए जैसे आप लोगों के साइन, जैसे हैश का साइन, एंड का साइन, ठीक है, वो ऐसे वाला साइन आप लोगों का। ठीक है, और हमारा रुपीज वाला साइन, ठीक है, हमारा प्लस माइनस अल्फा न्यूमेरिकल डाटा है, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सारा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के जितने भी साइंस वगैरह होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा केवल नंबर नंबर, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा साइंस भी और अल्फाबेटिक्स भी। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कैलकुलेशन वाला काम नहीं होगा, याद रखिए अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में कैलकुलेशन वाला काम नहीं होता। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा में ही आप लोगों का मैथ्स वगैरह सब उसके अंदर चलता है। तो डाटा हमारा दो टाइप का होता है, एक न्यूमेरिकल डाटा एक अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, बहुत तेजी से मैं आपको पढ़ाते चलूंगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में आएगा तो या तो आप उसे दोबारा रिपीट करके देख लीजिए या आप इंक्वायरी करके पूछ लीजिए, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप हमें बाकी वीडियोस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर कोई ना कोई हम उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन जी भैया वो प्रोडक्ट है जो आप लोगों को चाहिए था, मतलब इन्फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं सूचना। सूचना वह एक चीज है जो आप लोगों को डिजायरेबल थी। ठीक है, आपको जो रिजल्ट मिलता है वही क्या है, कंप्यूटर ने अपना डाटा लिया, ठीक है, प्रोसेसिंग किया और उसके बाद प्रोसेसिंग करके जो आपको मिला वो आपका इन्फॉर्मेशन है। अब एक और वर्ड आता है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है
ठीक है जी। एक जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अब ये क्या चीज है, देखो जी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब ये होगा कि कभी कभी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन ली सपोज, ठीक है आप लोगों ने इंफॉर्मेशन ली, आपको डाटा लिख रहे हो, ठीक है आप लोगों को सूचना उसका रिजल्ट वगैरह मिल गया, लेकिन हुआ क्या कि गलती से आपने कुछ करा, ठीक है या फिर कुछ भी हुआ, लाइट चली गई, कुछ भी कंप्यूटर एकदम बंद हो गया और आप लोगों का डाटा डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये घटना अधिकतर कंप्यूटर के मामले में होती है जी, ठीक है। तो अब उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा प्राप्त करने का जो तरीका होता है, ठीक है दोबारा अब कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिलीट हो गई, हट गई आपसे, या फिर सूचना को दोबारा प्राप्त करते हो, उसी सूचना को दोबारा आप कंप्यूटर में जनरेट करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब दोबारा से प्राप्त करना, ठीक है जी। सूचना को दोबारा से प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन को दोबारा से प्राप्त करने को क्या बोलेंगे आप लोग, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का एक टॉपिक हो गया। और ये पूछता है कि इंफॉर्मेशन रिट्रैवल दोबारा सूचना प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, चार एमसीक्यू दे देगा आप लोगों को, ऑप्शन दे देगा, उसके अंदर एबीसीडी आप ढूंढते रहिए उसके अंदर, तो ये चीज इसके अंदर आप लोगों के लिए आता ही आता है, इंफॉर्मेशन रिट्रैवल का थोड़ा ध्यान रखेंगे और ये आता है, ठीक है। और एमसीक्यू इसकी बहुत अच्छी बनती है। इंफॉर्मेशन रिट्रैवल हमारा टॉपिक हो चुका है, ठीक है डाटा हमारा हो चुका है। और इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आपका इंफॉर्मेशन आपका डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग मतलब जब डाटा को आपने इनपुट कर दिया कंप्यूटर में, ठीक है प्रोसेसर उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसर की बात कर लीजिए, सीपीयू की बात कर लीजिए, वो क्या करेगा प्रोसेसिंग उसके ऊपर करेगा अपना, ठीक है। और प्रोसेसिंग करने के बाद आप लोगों को आउटपुट में कुछ देगा, ठीक है। जिस टाइम पे आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है उसको आप बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग। इस बात का थोड़ा ध्यान रख लीजिए, डाटा प्रोसेसिंग तब होगा जब कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेस हो रहा होगा, और ये इतनी स्पीड से होता है कि जैसे मान लो कंप्यूटर की समय जो स्पीड है अभी तक, नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पेंटियम 4 हो पुराने जमाने वाला बाबा दम का, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो है 10^-9, मतलब एक नैनो सेकंड, ठीक है 10^-9 को नैनो सेकंड कहते हैं, ये फिजिक्स में का पोर्शन है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10^-9 एक नैनो सेकंड है, ठीक है। इतनी देर में मतलब आपने कंप्यूटर पर टाइप करा वो एंट्री हो गई, और हाँ इससे फास्ट हो सकता है, डिपेंड करता है आप लोग की रैम और आप लोगों का प्रोसेसर कितना फास्ट है, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग में मतलब समझ लीजिए कि जब आपका कंप्यूटर डाटा प्रोसेस कर रहा होता है उस टाइम को बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग, इस मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई गेम है, सपोज आप लोग गेम खेलते हैं मोबाइल वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में, तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ऐसे चल रहा होता है लोडिंग, ठीक है बहुत लंबा सा देखिए चलेगा लोडिंग लोडिंग हो रहा होगा, ठीक है फिर वो 100% हुआ, तो वही समझ लीजिए कि उस समय क्या हो रहा है, वो डाटा पूरी फाइल लोड कर रहा है अपनी, ठीक है मतलब प्रोसेसिंग चल रही है उसके ऊपर, तो इतना समझ लीजिए कि वो क्या है आप लोगों का डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये रैम के ऊपर पूरा लोड होता है आपका डाटा प्रोसेसिंग वाला, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से हो गया होगा, ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा डाटा प्रोसेसिंग हो गया आप लोगों का, अब नई बात स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। अब इंस्ट्रक्शंस कैसे बोलते हैं कि हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदेश, ठीक है या फिर निर्देश, ठीक है और इसको बोलेंगे आप लोग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है जी, देखो कंप्यूटर का आपने एक ऑर्डर दिया, सपोज कंप्यूटर का आपने ऑर्डर दिया जी प्लस करना है, ठीक है तो आपने क्या दिया उसको इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसे एक ऑर्डर दिया, ठीक है तो आप उसे क्या बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन, मैंने कंप्यूटर क्या दिया इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है। दूसरी बात जब बहुत सारे आपने ऑर्डर दे दिए, उठा के 10-15 ऑर्डर जी, प्लस भी करना है माइनस भी करना है डिवाइड भी करना है माइनस भी करना है सब कुछ करना है उसको, ठीक है और उसके बाद पूरी सॉल्यूशन इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी है, तो मतलब आपने कंप्यूटर को बहुत सारे क्या कर दिए इंस्ट्रक्शंस उसको दे दिए, ठीक है। तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे कि भैया क्या है वो एक प्रोग्राम, ठीक है क्या बोलेंगे प्रोग्राम। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इक्वल प्रोग्राम, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब आपने कंप्यूटर के ऑर्डर दिया, ठीक है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हो जाए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का समूह हो जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे प्रोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जब बहुत सारे प्रोग्राम हो जाए, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, सपोज आप लोगों ने एक प्रोग्राम बन गया आप लोगों का, ठीक है बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, ठीक है तब आप लोगों का क्या बनता है एक सॉफ्टवेयर। याद रखिए इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप प्रोग्राम और प्रोग्राम का ग्रुप सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मेन टॉपिक आप लोगों का इंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन से जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं तो प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम जब बहुत सारे होते हैं क्या बनता है आपका सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप लोगों का मीडिया प्लेयर, सपोज विंडोज मीडिया प्लेयर, ठीक है एक सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप लोग चलाते हैं, चाहे आप लोगों का म्यूजिक प्लेयर, ठीक है आपके फोन का म्यूजिक प्लेयर, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है फोन का म्यूजिक प्लेयर या फिर फोन का एमएक्स प्लेयर आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है फोन का शेयर इट ये भी बहुत चल रहा है। तो ये क्या है आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर, ठीक है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं, ठीक है उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन से ही क्या बना था उसका प्रोग्राम बना था कि उसको डाटा ट्रांसफर करना है, उसका डाटा उसको लेना भी है, तो मतलब मल्टी प्रोग्रामेबल हो गया, वो मल्टी प्रोग्रामेबल हो गया, इसका वजह से क्या बन गया सॉफ्टवेयर बन गया। आज के टाइम पे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने फोन की, जो ऐप है वो समझ लीजिए, जो फोन आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं वो क्या फोन का ऐप है, ठीक है और ऐप ही क्या है एक सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। और कंप्यूटर भी है आप लोगों का, कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, टोटल वीडियो कन्वर्टर है जी, पता नहीं कितने कितने सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट लेटेस्ट आए जा रहे हैं, हर फील्ड का अलग सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, एमएस ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या है, सब सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नाम जब भी सुन लीजिए तो समझ लीजिए कि वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है, और जो प्रोग्राम है वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का कंप्यूटर की विशेषताएं, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं आते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत फास्टली तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों को याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, वो आप लोगों को याद रखनी है। पहले जो टर्म्स है कंप्यूटर की एक्यूरेसी, ठीक है। क्या चीज बताई मैंने, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, एक्यूरेसी सटीकता। इसका मतलब समझ लीजिए कि कंप्यूटर मैक्सिमम कार्य, अपना मैक्सिमम कार्य, काम जो भी आप लोगों का मैक्सिमम जो वर्क करता है वो एक्यूरेसी से करता है, मतलब 99.9% के चांसेस है कि वो अपना काम बिल्कुल एक्यूरेट करेगा, ठीक है। डिफेक्ट कब आता है वो सुन लीजिए। पहला, या तो आप लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन गलत दे दिए, मतलब आप लोगों ने जब इनपुट डाला तब आपने गलत डाली, मतलब वो एक मानवीय गलती है, मतलब एक ह्यूमन मिस्टेक है, ठीक है, वो उस पर काउंट नहीं होगा। दूसरा, उसके अंदर वायरस आ जाए तो पूरे न्यारे न्यारे मजे न्यारे पूरे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डिफेक्टेड पीस, मतलब आप लोग डालोगे कुछ और होगा कुछ और, या फिर सॉफ्टवेयर खुलेगा कुछ और, तो वो एक वायरस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 99.9% अगर आप लोगों कंप्यूटर को आदेश दिया और कोई वायरस नहीं है, कोई मानवीय गलती नहीं है, तो काफी हद तक चांसेस है कि 100% आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है आप लोगों का रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी हो गया कि आप उसको बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं कि वो अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा होगा, ठीक टाइप पे कर रहा होगा, ठीक है। तीसरा जो है वो है फास्ट, मतलब ये हो गया कि फास्ट उसकी स्पीड है, ठीक है जी, मतलब वो जो चीज को हम एक आदमी को मैं काम करने के लिए बोलूँ, मैं उसको बोलूँ 2+4 कर, 5+6 कर, 7+8 कर, 9+10 कर, 12+20 कर, तो जितनी फास्टली मैंने आप लोगों को बोल दिया, लेकिन इतनी कोई एक सुपर ह्यूमन ही होगा इतनी तेजी से जो आंसर बता देगा मुझे, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने तो 68 क्वेश्चन दे दिया और 68 एकदम बिल्कुल सटीक जवाब दिया, तो बहुत बड़ी सी बात हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर को आप क्वेश्चन दिया था आपने, ठीक है, तो आपकी आंख की पलक भी नहीं छपकी इतना वो आंसर प्रोवाइड कर देगा आप लोगों को। ये इसका आंसर नॉर्मल क्वेश्चन का डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसर कितना है, आप लोगों पर रैम कितना है। आने वाले टाइम में मैं रैम के बारे में बताऊंगा, प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा, और रैम हम बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारे सीरीज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा जब हम इसका कंप्यूटर का पार्ट 2 निकाल देंगे। फिलहाल आप इतना समझते रहिए, ठीक है। तो आप लोगों का स्पीड हो गया, ठीक है, रिलायबिलिटी हो गया। दूसरा आपका वर्सेटिलिटी, ठीक है। वर्सेटिलिटी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर के मामले में वर्सेटिलिटी, ठीक है। अब वर्सेटिलिटी होता क्या है, जैसे मान लो कि सपोज एक आदमी है, मैंने उसको बोला भाई तू मजदूरी कर, हो गया मजदूरी करने, मैंने उसको बोला बर्तन धो, गया बर्तन धोने, ठीक है। मैंने फिर उसको बोला कि भाई ये काम करना है आपको, ठीक है, पेंट करने का काम करना है, पेंट कर लीजिए। फिर मैंने बोला बढ़ई का भी काम कर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बोलेगा बस अब नहीं होगा मुझसे, ठीक है, क्योंकि ये मेरे उसमें है ही नहीं, मैं तो उस फील्ड का ही नहीं बना, ठीक है। अगर मैं किसी इंजीनियर को बोलूंगा कि जा भाई जाके मेरे लिए एक चिकन बना होटल मैनेजमेंट वाला, ठीक है, तो एक बार वो भी बोलेगा नहीं। बाकी इंजीनियर्स तो खतरनाक होते हैं जी, सीधी सी बात है, किसी काम को कर ले तो छोड़ते नहीं, ठीक है, तो ये बात है। तो होटल मैनेजमेंट वालों की वो उसमें फोड़ दूंगा तो वो सब ट्रेड नहीं है, वो क्या बोलेगा नहीं जी मुझे नहीं आता, ठीक है। तो इतना बात समझ लीजिए कि ये जो मैंने आपको बताया तो ये क्या है वर्सेटिलिटी। देखिए मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, हम लोग की वर्सेटाइल मशीन नहीं है, हम लोग वर्सेटाइल ह्यूमन नहीं है। कुछ लोग होते हैं वर्सेटाइल ह्यूमन, उनको जैसा काम बोलो कर ले तो ये सुपर ह्यूमन के अंदर ही आते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा समझ लीजिए कि मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। आप जैसा उसको काम देंगे, आपने उसको बोला कि भैया ये प्रिंटिंग का काम करना है, कलर प्रिंटिंग, प्रेस प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग, मतलब जो भी उसके अंदर डिवाइस स्टोर होगी, जैसा आप उसका सॉफ्टवेयर डालेंगे वैसा वो काम करेगा, ठीक है। वर्सेटाइल मशीन है, आप जो सा उसको ऑर्डर दोगे वो करेगा, अगर उसकी लिमिट के अंदर वो आता होगा, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। दूसरा कि आप लोग उसके ऊपर एक तरीके से पूरी तरीके से आप उस पर डिपेंड कर सकते हो, ठीक है, आप उस पर काम करो जो भी है तो आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसका एक और नया नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस पर काम दो, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क है, मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि आप एक ही काम बार बार रिपीट करवा रहे हो, ठीक है, एक ही काम, जैसे कोई भी गेम है बार बार लोड हो रहा है, ठीक है, फिर उस बार और लोड हो गया, फिर और कुछ बार डिटेल मारा, फिर आपने दोबारा लोड किया, फिर दोबारा लोड किया, तो वो थकेगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं, मतलब जैसा उसका काम का पहला जो स्पीड थी वैसी ही रहेगी, उसके बाद जो दोबारा बोलोगे तब भी वो स्पीड रहेगी, तीसरी बार बोलोगे दोबारा वो स्पीड रहेगी। तो ये क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी वर्क है। जैसे अब इसका बिल्कुल मैं बिल्कुल एक ह्यूमन का कंप्यूटर से बिल्कुल कंपेरिजन करूंगा, अगर मैं ह्यूमन को बोलूंगा भाई बर्तन धोने हैं, ठीक है, मैंने उसको 4 गिलास दिए धोने के लिए, ठीक है, वो धो के आया बिल्कुल एनर्जी के, दूसरी बार दूंगा थोड़ा सा एनर्जी वीक हो जाएगी उसकी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरी बार दूंगा थोड़ा सा एनर्जी वीक हो जाएगी,
फिर और धीरे करेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर को दूंगा भाई धो तो धोएगा, ठीक है। हाँ हाँ आता है कि वो धोने का कोई कारण नहीं है, बस एक समझ लीजिए मैंने कोई काम दिया उसको सपोज, ठीक है, तो मैंने उसको बोला जी काम करना है तो करेगा, थोड़ी देर बाद दूंगा करेगा, किसी बार दूंगा तो करेगा, तो ये नहीं बोलेगा ना जी मैं थक गया हूँ या फिर उसकी कोई स्पीड में कमी आएगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो मैं बताता हूँ कि आपका सब फास्ट हो गया, ये सब इसकी क्या है स्पेशल क्वालिटी है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, ठीक है, और लिमिटेशंस में एक बात और समझ लीजिए, लिमिटेशंस मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे आप लोगों का फेल हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर कहाँ पे फेल होगा, पहली बात सबसे बड़ी दिक्कत यह है कंप्यूटर को चलाने की है वो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। यही कारण है कि हमारी देश सरकार योजना चली थी जी एक यूपी में हमारे की लैपटॉप देंगे अखिलेश सरकार, तो काफी लोगों को प्रोवाइड किया, वो बात अलग है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद उसमें कंप्लेंस आने लगी जी आकाश के टैबलेट में ये हो गया, आकाश के टैबलेट में वो हो गया। मैं आकाश की कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मेरा वीडियो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी बना दे, तो मेरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर बाद में फॉल्ट आने लगे कि भाई ये है वो है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा सॉल्यूशन कहाँ पर जाकर रुक रहा है आप लोगों का, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कहाँ पे जाके रुकेगा कि कंप्यूटर एक एक्सपेंसिव चीज है जी, मतलब एक गरीब की बस की बात नहीं है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के मामले में बहुत आगे है, लेकिन सबसे पहला इसका जो लिमिट है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसे हर कोई अपने घर में नहीं लगा सकता, ठीक है, पहली बात। दूसरा डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हो गया कि भाई फिर आप बोल रहे यूपी का कंपैरिजन फिर से हो रहा है कि कुछ यूपी में भी आज भी मतलब काफी एरिया है जो बहुत टाइम तक बिजली नहीं आ रही थी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैं ये मत सोचिए यूपी की जनता कि मैं यूपी के खिलाफ, ठीक है, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि हमारे आज भी ऐसी बातें, उत्तराखंड को भी क्यों छोड़े, उत्तराखंड में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बिजली की प्रॉवर्टी नहीं है, ठीक है। तो हो जाता है, मतलब ये होगा कि जहाँ बिजली खत्म, चाहे वो हमारा शहर के अलावा चाहे भी कहीं भी आप लोग सर्विसिंग में कुछ भी बिजली की हो रही हो, तो आप लोगों की दो दो तीन तीन दिन तक बिजली नहीं आती, तो उस टाइम में आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो, मतलब डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिल्कुल विद्युत पे निर्भर है जी कंप्यूटर, ठीक है, निकलेगा नहीं बाहर। मतलब अगर आप लोग जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों का फोन हो गया टैबलेट, सबसे अच्छी बात है, सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, कुछ लोग पावर बैंक खरीदते फिर रहे हैं लेकिन वो भी किसी चार्ज होंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल हो गए, टैबलेट हो गया, उस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो है वो टोटली किसी ऊपर डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तीसरा आप लोगों ने बहुत ज्यादा लिमिटेशन किया जो मतलब एक साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है, कि भैया इससे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है देश में, हर आप भी जानते हैं भारत की स्थिति है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जैसे बैंक की बात लेते हैं सपोज, ठीक है, और आजकल स्टेट बैंक में बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं, ठीक है। हमारे डोईवाला की एक ब्रांच की बात बताता हूँ आप लोगों को, डोईवाला की स्टेट बैंक की ब्रांच है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं बताता हूँ कि कोई टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है, इस पर कोई वाली बात नहीं है, मैं कंप्यूटर पर वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस आप इतना समझिए कि कोई टेक्नोलॉजी ना हो तो सोचिए एक आपकी पासबुक को लिखने वाला एक आदमी, ठीक है, आपके पैसे गिनने वाला एक आदमी, और अगर सपोज जनता वहाँ पे जाता है तो बहुत सारे आदमी उस आदमी को इकट्ठा करने के लिए तो लाइन लगी रहेगी, ठीक है, बैंक में, और पैसे देने वाला एक आदमी, इकट्ठा करने वाला एक आदमी, फिर उसके बाद उस बैंक को ट्रांसफर करने वाला एक आदमी, फिर उसके कैश को चेंज करने वाला एक आदमी, ठीक है, ऊपर से पीओ ज्यादा दिन लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ब्रांच में मिनिमम 10 आदमी चाहिए चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, कंप्यूटर इतना बढ़ चुका है, फटाफट सारे काम होने को लगे हुए हैं। अब यहाँ पे मशीन आ चुकी है, देहरादून की अच्छी सिटीज में भी आ चुकी है, उसमें मशीन में क्या कि मान के चलिए कि आपने एंट्री करवाने के लिए आप जाना है आपको, ठीक है, आप जाइए मशीन पे, आपने एंट्री करी, ठीक है जी, बटन दबाया, आपकी एंट्री हो रही है, एंट्री हो गई बाहर, किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। दूसरा आपने पैसे चाहिए, आपने स्वाइप करा, एटीएम है, सब देखिए सीधी सी बात है, सारा का सारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग है सब, ठीक है। तो नेटवर्किंग में बातें पड़ेंगे, फिर आप समझिए आपको पैसे चाहिए, आपने एटीएम लगाया और उसके बाद आपने पैसे कर लिए। आज के टाइम पर शॉपिंग जाता है, अधिकतर लोग एटीएम वगैरह, कैश कार्ड, वॉलेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो सब किस चीज को खत्म कर रहे हैं, वो सब चीज आपकी बेरोजगारी वगैरह ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आदमी जहाँ पे चार लगने चाहिए थे वहां पे अब एक ही लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेरोजगारी को बहुत बढ़ा हुआ, ठीक है। और कंप्यूटर का अच्छा पॉइंट भी बता देते हैं, कंप्यूटर का अच्छा पॉइंट ये है कि आज के टाइम पे आप लोग बहुत भी अच्छा जो लोग हैं वो पीडीएफ का यूज कर रहे हैं, पीडीएफ मतलब पोर्टेबल, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, इसकी जो फुल फॉर्म है वो प्लीज याद रख लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, अब आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये क्या है आप लोग का पीडीएफ।
तो इसकी फाइल की इन्फॉर्मेशन फुल फॉर्म आते हैं, क्योंकि वैसे लोग पीडीएफ में ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक ई बुक्स है। ई बुक्स मतलब समझ लीजिए कि जैसे आप लोगों के पास जो ढेर हुआ करता था बुक्स का, एमबीडी चित्र, ठीक है, तो ऐसे करके बुक्स से ढेर हुआ करते थे। ठीक है, अब आप लोग एनसीईआरटी आपको बुक पढ़नी हो, आप जाओ जी एनसीईआरटी साइट पर बुक डाउनलोड कर लो। ठीक है, कोई स्पेस नहीं हो रहा, एक 8 GB का कार्ड लिया, कितने का मिलेगा, मुश्किल से 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये में आप लोग की पूरी तरह से किताब आ गई। ठीक है, तो कोई ढेर नहीं है, बुक आप जेब में लेके घूम रहे हो, तो मोबाइल है मतलब। ठीक है, तो आप लोगों का ये बहुत ज्यादा बढ़िया है कि इससे पेपर की बचत होती है। पेपर की बचत होगी तो आप लोग के पेड़ वगैरह नहीं कटेंगे, मतलब नेचर सही है। लेकिन लैपटॉप से यूज होगा तो बैटरी डलेगी, बैटरी डलेगी तो फिर तो नेचर खराब ही होगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों के लिए फायदेमंद ये है कि स्पेस थोड़ा कम लेता है कंप्यूटर आप लोगों का एक लाइब्रेरी के मुकाबले, तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब जो हमारा टॉपिक्स थे ये हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और ये आज हमारा कंप्यूटर का पहला पार्ट 1 था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर होता क्या है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन, फिर मैंने आपको बताया डाटा, फिर मैंने बताया डाटा प्रोसेसिंग, फिर मैंने आपको बताया डाटा के टाइप्स। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया कंप्यूटर की स्पेशल क्वालिटीज। ठीक है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस, कहाँ कंप्यूटर आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, और एक और सबसे बड़ी बात लिमिटेशंस की, कंप्यूटर में सबसे बड़ा जो फेलियर होता है वो होता है वायरस की वजह से। ठीक है, वायरस हिंदी में भी वायरस मिलेगा, इंग्लिश में भी वायरस मिलेगा, वायरस को जी वायरस ही बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, लेकिन एक बायो में पढ़ा था आप लोगों ने वायरस, वो वायरस वो वाला वायरस नहीं है। ठीक है, वायरस जो है आप लोगों का विषाणु बोलते थे आप बायोलॉजी में, और एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में वायरस आपको हिंदी में वायरस लिखा मिलेगा और इंग्लिश में भी आप लोगों पेपर में वायरस ही लिखा मिलेगा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में पढ़ो चाहे आप हिंदी में पढ़ो, अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन बनेगा तो वायरस को वायरस ही बोलेगा, लेकिन अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा तो वायरस को विषाणु बोलेगा। तो याद रखिए, वायरस जो होता है आपके कंप्यूटर की फाइल्स को हैक कर देता है, ये भी कुछ नहीं होता, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आपके कंप्यूटर में बिना आप लोगों की परमिशन के अपना काम करता रहता है और इंफॉर्मेशन को चुराता रहता है और आपके कंप्यूटर को करप्ट करने की कोशिश करता रहता है। ये ज्यादातर आपके कंप्यूटर में अटैक करता है सिस्टम 32 के ऊपर। ठीक है, इसके लिए आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एंटीवायरस मतलब जो वायरस को क्लीन करने का काम करते हैं आप लोग का, जैसे हमारा विंडोज डिफेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इसको, तो विंडोज डिफेंडर हो गया। ठीक है, तो मैं अब आपको आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मुझे मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे। और हमारा जो चैनल है आप लोगों को लगभग 1 दिन या 2 दिन में एक ना एक नया वीडियो स्पेशल आपको देता रहता है, जिसके अंदर आप लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हमारे और भी वीडियोस हैं जिसका आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं हमारा। ठीक है, और आप हमारा चेक कर सकते हैं, हमारा मेल, ईमेल, ब्लॉग वगैरह सब कुछ, जिसके अंदर आप लोगों को डेली अपडेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, और हमारे हमारा देखिए जो मकसद है सिर्फ यही है कि जो हमारे दूर दराज के जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दूर दराज के, जितने भी हमें देख पा रहे हैं, दूर से हमें देख रहे हैं, पास से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मकसद यही है कि जो फाइनेंशियली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारण से, ठीक है, पहली बात उन्हें हमारी बात पहुंचे। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा इसके अंदर हमारे अंबानी जी को, ठीक है, जिन्होंने 333 रुपये का प्लान लाया, 309 कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है फिलहाल। ठीक है, जिन्होंने जियो की सर्विस प्रोवाइड करी और आज के टाइम पे 3 महीने फ्री में नेट चल रहा है, तो कम से कम यार आप लोगों के घर में आप लोगों को सर्विस मिल रही है कि भैया पढ़ लो। ठीक है, तब तो पढ़ लो, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, फ्री का बटन है जी लाइक का, दबा दीजिए। ठीक है, और फ्री का बटन है जी सब्सक्राइब का, दबा दो, हर दिन आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो खासकर क्लास 10th 9th 8th वगैरह जो भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनकी कोई भी इंक्वायरी हो जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम आप लोगों की सर्विस भी दे रहे हैं, फ्री में आपको हर चीज़ मिल रहा है, तो कम से कम ट्यूशन की फीस तो मैं आपको बचाई दूंगा। तो इतना समझ लीजिए कि क्लियर आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सब चीज़ फ्री की मिल रही है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों का यूज़ हो रहा है, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, हर दिन आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम करे, ठीक है, कोई भी चीज़ उस समय ना आए, आप एक काम कीजिए, उसके फोटो वगैरह खींच के मुझे पूछ दीजिए, मैं उसकी आपको वीडियो से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और देखते रहिए रियल क्लासेस, देखने के लिए धन्यवाद।